एसएलई के पेशेंट क्या खाना खाएं और क्या ना खाएं, इसके बारे में बात करते हैं। एसएलई ऑटोइम्यून बीमारी है। खाने एक बहुत महत्वपूर्ण होता है बीमारी को कंट्रोल करने के लिए और इसके सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए। 100% केस में इसका क्योर है नहीं, इसलिए दवाइयाँ और खाना लाइफ स्टाइल में बदलाव यही ट्रीटमेंट रिकमेंड करे जाते हैं। खाना ऐसा खाना है जो इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करे, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी है, जो कि फ्रूट्स में होती है, वेजिटेबल्स में होती है, ओमेगा 3 फैटी एसिड में होती है, और जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और सलाद हैं इन सब में होती है। तो जो खाने हमारे घर के होते हैं जिसमें कम तेल, कम मसाला, कम शक्कर, वो खाना अच्छा होता है। तो अगर इसी को एसली है तो सबसे पहले उनको ये एडवाइस करी जाती है कि अपने खाने में सीजनल फ्रूट्स वो खाएं, क्योंकि उनके अंदर एंटी ऑक्सीडेटिव प्रॉपर्टी बहुत अच्छी मिलेगी। विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारा मिलता है, तो ऐसे खाने वो सम्मिलित करें। इसके अलावा घर में ही जो खाने हैं, अनाज, दालें हैं या गेहूं है या चावल है, इनको घर में पका के खाना रहता है। इसके अलावा क्या चीज़ें नहीं खानी है, तो ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा शक्कर हो, जिसमें ज़्यादा तेल डला हो, जिसमें ज़्यादा नमक हो, ये शरीर में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा नॉन वेज भी इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है। चिकन, मटन, इन सब से बचना है, एक से बचना है, और डेयरी प्रोडक्ट, दूध और दूध से बनी चीज़ें भी इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं, तो उनको भी नहीं खाना होता है। इसमें एक फिश की बात करें तो फिश में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, वो अच्छा होता है, उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, तो उसको खा सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा तेल और मसाला ना डालें। और बेहतर ये रहता है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड की कैप्सूल्स आती हैं, उसको भी ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। क्योंकि अगर कोई फिश खाएगा तो उसमें ऑयल, साल्ट, ये सब डालेगा, तो जितना फ़ायदा नहीं होगा उसके साथ में हार्म भी होने का खतरा बढ़ जाएगा। तो अगर किसी को एसली है तो दिनचर्या में बदलाव करने की सलाह दी जाती है। मतलब कि आपको 8 घंटे की नींद लेना है, पानी पीना है, आधे घंटे की दिन में एक्सरसाइज करना है, वज़न को नियंत्रित करना है, क्योंकि अगर वज़न बढ़ा रहता है जिनका, तो एसली की समस्या और बढ़ जाती है। फैट सेल्स बढ़ने से शरीर में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। एसली की जो सबसे बड़ी समस्या है कि ऑटो एंटीबॉडी बनती है जो कि इन्फ्लेमेशन कराती है शरीर के अलग अलग हिस्सों में। तो कंट्रोल रखना है तो दवाइयों के साथ दिनचर्या का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और उसमें खाने का भी। तो एक तरीके से अगर एक लाइन में मैं बोलना चाहूँ तो जो वेजिटेरियन वीगन डाइट होती है वो अच्छी होती है, और जो घर में खाना बनता है वो अच्छा होता है। बाजार का अगर प्रोसेस्ड आइटम है जिसमें ज़्यादा नमक है, जिसमें ज़्यादा शक्कर है, जिसमें मैदा डला हुआ है, जिसमें रिफाइंड ऑयल डला हुआ है, वो सारे ख़राब होते हैं। तो अगर आप चिप्स खाते हैं, कुरकुरे, नमकीन, फास्ट फूड, चाइनीज़ मंचूरियन या समोसा, इस तरह की चीज़ें खाने की आदत है, तो इनको कम करें, तभी एसली कंट्रोल में आएगी या उसके सिम्टम्स कंट्रोल में आएंगे। तो अगर किसी को ये एसली ऑटोइम्यून बीमारी है तो वज़न को नियंत्रित करें, फ्रूट्स वेजिटेबल ज़्यादा खाएँ, और अनाज खाएं, रोटियां खाएं, चावल खाएं, और घर में पका के खाएं, उससे ही इस बीमारी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। जो काजू, बादाम, अखरोट होता है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, फाइबर होता है, कैल्शियम और मिनरल्स, पोटेशियम, आयरन, ये सब होते हैं। तो ये भी आपको खाने में अगर अफोर्ड कर सकते हो तो इनको भी सम्मिलित करें, इससे भी थोड़ा बहुत हेल्प हो सकती है। थैंक यू सो मच।